बाबर भैया आजकल इंडिया वाले तो छाए हुए हैं, बड़े मैच जीत रहे हैं। इनका हर कोई प्लेयर को डबल शतक लगा रहा है, 400-400 का टारगेट दे रहे हैं। पहले श्रीलंका वालों का सत्यानाश कर दे, अब न्यूजीलैंड वालों का क्या, आप देखते हैं T20 में क्या करते हैं। फकर भैया काय को टेंशन ले रहे हैं, जीतने दो, अपने पड़ोसी हैं, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो पुश हो जाते हैं। ना इनका सूर्य चलता है, ना इनका किशन, कोई भी नहीं चलता है, खेलते नहीं है, कभी कभी खेलते हैं लेकिन हम भैया पूरा ठोकते हैं। ओ बाबर भैया मेरा तो बल्ला चलता है ना, मैं तो आपके खिलाफ सही रन ठोकता हूँ। अब आने दो कोई मैच, फिर आपको बताएंगे। फिर क्या हुआ, एक आधा मैच आपने T20 जीत लिया, हमारे देश में होगा वर्ल्ड कप, अब जीतना। कोहली भाई आपकी सरजमीन पर भी ठोक लेंगे, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से ठोका था, याद है ना, उधर आपका बल्ला चला था, 50 रन बनाए थे किस काम के, वो भी आपके देश में होना था लेकिन दुबई में हुआ, होस्ट तो आप ही थे। बाबर भैया इसलिए तो डर के मारे हमारे साथ कोई सीरीज नहीं खेलते, आखिरी बार इन्होंने सीरीज खेली थी, हम इनके देश में गए थे, 2-0 से ODI ठोका था, फिर ये रोने लग गए, तीसरा ODI हमने जानबूझ के इनको दे दिया, नासर जमशेद ने बैक टू बैक 2 शतक लगाए थे पहले और दूसरे ODI में, कैसे याद हो, भूल गए। वैसे भी तुमको हमने हर बार ठोका है भूतने के, तुम हार के पहले ही बार हो जाते हो, पाकिस्तान के सामने ही नहीं आते किसी बड़े मैच में। हाँ रजवान भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, चैंपियन ट्रॉफी 2017 में सामने आए थे, ठोका था, उसके बाद इनको पता था पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, 2021 के वर्ल्ड कप में पहले ही बार हो गए, 22 के एशिया कप में भी बार हो गए और वर्ल्ड कप में भी बार हो गए। हाँ फकर भैया ये ऐसे ही हैं, छोटे मोटे मैच जीत रहते हैं, बड़े मैचों में इनकी फट जाती है, इनको पता होता है कि भैया जीतेंगे आगे पाकिस्तान आएगा, उससे पहले ही दूसरी छोटी टीमों से इनकी फट जाती है, हार के मुंह लटका के चले जाते हैं टाइम से। हाँ बाबर भैया ये बात बिल्कुल सच्ची, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी इसको झूठा नहीं कह सकता। अब 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में होना है, इनको पता है भैया पाकिस्तान वाले ठोकेंगे, उधर बहुत बेइज्जती होगा भूतनी वाले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। रजवान भैया नहीं आते तो ना आए, भूतनी के बाहर में जाएं, 2023 का वर्ल्ड कप इनके देश में होना है, अगर वो उधर हो गया ठीक है, दुबई में हो गया, जिधर भी हो गया, हम तो भैया इंडिया में भी जाके इनको ठोकने से नहीं मुड़ेंगे, ऐसा ठोकेंगे दुनिया याद करेगी। अबे चुप चुप बाबर भैया, तुम तो डायरेक्ट शुरू हो गए क्या, सुबह सुबह पी के आ गए यार, क्या कह रहे हो, अब हम नहीं आ रहे इसमें हमारा थोड़ी दोष है, हमारी गवर्नमेंट जिधर हमको भेजेगी हम उधर जाएंगे ना, वो नहीं मानती है, वो उनका मसला है। और पाकिस्तान वालों टेंशन मत लो, सूर्य इस बार आपको इससे पहलेगा ना, 1-2 मैच आपने क्या जीत लिया, आप तो बहुत फुतक रहे हो, आपके देश में आकर आपको ठोकेंगे, ये शौक भी आपका पूरा कर देंगे, बस तुम बंदोबस्त कर लो बढ़िया सा आने का हमारा। हाँ पाकिस्तान वालों सूर्या सही कह रहा है, अगर हम आए तो ठोकेंगे, नहीं तो कहीं और हुआ उधर भी आपको ठोकेंगे, बस बहुत हो गया। वैसे भी अगर देखा जाए ODI वर्ल्ड कप में हमारी टीम वर्ल्ड कप का मैच आपकी टीम से कभी हारी नहीं। कोहली भाई हारी नहीं है, हमने जानबूझ के आपको नहीं हराया, क्योंकि पहले हमारे प्लेयर थे आपकी इज्जत करते थे वर्ल्ड कप का, तो मैच आपको जानबूझ के जीतने देते थे, वैसे ODI सीरीज में आपको कैसे ठोकते थे याद है ना। हाँ बाबर भैया हम जानबूझ के इनको मैच देते रहे, दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, ये भूतनी के अपनी औकात से बाहर हो गए, फिर T20 वर्ल्ड कप में कैसे ठोका था 10 विकेटों से, अब ODI की बारी है, पहले एशिया कप में फिर ODI कप में ठोकेंगे। चलो अब चुप करो पाकिस्तान वालों, बहुत कर लिया बकवास यार, ये तो एशिया कप और ODI वर्ल्ड कप शुरू होगा, फिर पता चलेगा कौन किसको ठोकता है। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।